सेवानिवृत्त कर्मचारी संगठन एचएससीएल की बैठक गुरुवार को जुबली पार्क सेक्टर 6 में संपन्न हुई। बैठक में एचएससीएल प्रबंधन के आवास किराया वृद्धि को समिति द्वारा उच्च न्यायालय में दी गई चुनौती के संदर्भ में चर्चा कर रणनीति तैयार की गई। संगठन के संयोजक एचएस मिश्रा ने बताया कि वर्ष 2019 में प्रबंधन ने बिना संगठन के पदाधिकारियों को विश्वास में लिए आवंटित आवासों के किराए में दोगुनी वृद्धि कर दी। कर्मचारियों के विरोध करने पर कोलकाता मुख्यालय का हवाला देकर टाल मटोल करते रहे, जिस पर संगठन को न्यायालय की शरण में जाना विवश होना पड़ा। जी मिश्रा जी बताएंगे, आज जुबली पार्क में किस मुद्दे को लेकर मीटिंग हो रही है? आज की जुबली पार्क की जो मीटिंग है वो एचएससीएल के जो हमारे एचएससीएल स्वैच्छिक सेवानिवृत्त कर्मचारी संघ के जो समिति के लोग हैं उनको इसलिए बुलाया गया, आज बैठक रखा गया है कि हम लोग एचएससीएल प्रबंधन की मनमानी के चलते हम लोग पहले बहुत प्रयास किए कि आपस में बैठ करके रास्ता निकल जाए, लेकिन बिना समिति के, अथराइज समिति हमारी एचएससीएल की, एमडी सीएमडी ने अथराइज किया था कलकत्ता में, और हमारी समिति अथराइज होने के बाद भी यहाँ का प्रबंधन जो है लोकल प्रबंधन अपने मर्जी से ₹2.62 था उसको ₹6.05 मतलब डबल से भी ज़्यादा कर दिया, जिसका हम लोग कई बार प्रदर्शन किए, घेर घेराव विरोध किए और बैठकें भी किए, आराम से बैठक भी किए, लेकिन प्रबंधन टस से मस नहीं हुआ। हम लोग यहाँ तक भी बोले कि आप पुराने रेट से पैसा ले लेंगे तो जो फैसला होगा कोर्ट का वो अपन देख लेंगे, लेकिन वर्तमान में पैसा ले लीजिए कि आपके पास भी कुछ इनकम हो जाएगा, एचएससीएल के पास भी कुछ फंड हो जाएगा और आपका भी काम चलेगा। लेकिन जिद के चलते बोले कि नहीं, हम लोग 19 से जो बढ़ाए हैं 2019 में ये मनमानी रेट बढ़ा दिए, उसके बाद 2021 में इन्होंने एक अलग चेंज किया, थोड़ा बहुत 10-5 रुपया पैसा कम करके नया रेट चालू कर दिया और उसको कोर्ट में बिलासपुर में पेश कर दिया। तो कहने का मतलब ये है कि हम लोगों ने सौहार्दपूर्ण वातावरण में प्रबंधन से हर समय मिल करके ये कहा कि सारे लोग रिटायर हैं और सेवा किए हैं, 35-40 साल लोग किए हैं, और गुंडे बवाली और कितने अनऑथराइज लोग, एचएससीएल से ज़्यादा लोग वहाँ अपनी दुकान चला रहे हैं, कोई मशीन चला रहा है, कोई कुछ भी कर रहा है, बिजली पानी फ्री ले रहे हैं, उनको तो आप नहीं बोलते हैं, जो 40 साल सेवा किए हैं उसको आप बार बार बोलते हैं क्वार्टर खाली करा देंगे, लाइन काट देंगे, ये स्थिति ठीक नहीं है। तो अभी क्या है, अभी आप लोग क्या चाहते हैं? अभी हम लोग चाहते हैं कि प्रबंधन हमसे बात करे और बात करके आपस में एक रास्ता निकालें। कोर्ट कचहरी का तो चलता ही रहेगा, वो जीतेंगे तो हम अपील करेंगे, हम जीतेंगे तो वो अपील करेंगे, वो तो लंबा प्रोसीजर है। तो हमारा अभी भी हम लोग समिति के लोग ये चाहते हैं कि बैठ करके प्रबंधन हमसे बातचीत करे और बीच का रास्ता निकाल करके उस पर बात किया जाए। हमारे वकील और कोर्ट ने भी यही कहा है कि आप लोग बैठ करके अभी भी रास्ता निकाल सकते हैं, ये सब बातें हैं।